आज से 23 साल पहले 26 जुलाई 1999 को ही भारत ने पाकिस्तान को करगिल युद्ध में धूल चटाते हुए जीत हासिल की थी और तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने जीत की घोषणा की थी। उस दिन के बाद से हर साल इस दिन को करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा समेत कई वीर जवान शहीद हो गए। देश के वीर सपूतों ने सेना के मिशन को सफल बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। करगिल विजय दिवस मनाने का उद्देश्य सैकड़ों शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देना है। करगिल युद्ध में भारतीय सेना के करीब 527 सैनिकों की शहादत के साथ ही पाकिस्तान के भी 357 सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। वहीं भारत पाकिस्तान करगिल युद्ध में 453 आम नागरिकों की भी मौत हुई। कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने भारतीय सेना के शौर्य को याद करते हुए सेना के जज्बे को सलाम किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम दिखाने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को नमन। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल विजय दिवस के मौके पर सशस्त्र बलों की बहादुरी, साहस और बलिदान को सलाम किया। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि देश सशस्त्र बलों की बहादुरी, साहस और बलिदान को सलाम करता है। देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस मौके पर सेना की वीरता, पराक्रम और दृढ़ संकल्प को याद किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कारगिल विजय दिवस सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता, पराक्रम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। कारगिल दिवस के मौके पर देश के कई मुख्यमंत्रियों ने और राज्य के कई बड़े नेताओं ने ट्वीट कर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश के कई मुख्यमंत्रियों ने और कई बड़े नेताओं ने ट्वीट कर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। राज्यसभा में आज का दिन काफी हंगामेदार रहा। राज्यसभा में हंगामा करने वाले 19 सांसदों को राज्यसभा के उपसभापति ने एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया। जिन सांसदों को उपसभापति ने निलंबित किया उनमें मुख्य रूप से डीएमके, टीआरएस, तृणमूल कांग्रेस और वामदल के सांसद शामिल थे। इनमें डीएमके से कनिमोजी और तृणमूल कांग्रेस से सुष्मिता देव मुख्य रूप से शामिल थी। हालांकि इससे पहले कल लोकसभा अध्यक्ष ने भी 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया था। विपक्ष ने उपसभापति की इस कार्यवाही पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि मोदी सरकार संसद में भी सांसदों को बोलने नहीं देना चाहती, वो विपक्ष के सांसदों की आवाज दबाना चाहती है। हालांकि ये बात सबको पता है कि संसद का सत्र 12 अगस्त तक जारी रहेगा। उससे पहले विपक्ष लगातार मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर है। बचे हुए दिनों में संसद का सत्र काफी हंगामेदार रहने की पूरी आशंका जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से जब से ये नोटों का अंबार मिला है तब से ही टीएमसी के आगे मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। दरअसल बात करें पार्थ चटर्जी की तो उन्हें हाल ही में भुवनेश्वर एम्स से छुट्टी मिली है, जिसके बाद से वो 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत के लिए कोलकाता वापस चले गए हैं। उन्होंने भले ही तबियत खराब होने का बहाना चुना हो लेकिन वो ईडी के शिकंजे से बच नहीं पाए। वहीं बात करें अर्पिता मुखर्जी की तो उनको भी करीब 9 दिनों के लिए ईडी के शिकंजे में भेज दिया गया है। हालांकि देखने वाली बात है कि टीएमसी ने दोनों ही इन नेताओं या फिर व्यक्तित्व से अपना पल्ला झाड़ लिया है। यहां तक कि टीएमसी ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए यह भी कहा कि अगर उनके मुख्यमंत्री या जो भी उनके मंत्री हैं वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें खुद वहां पर छोड़कर आएंगी और उन्हें उम्र कैद तक दिलाएंगी। हालांकि देखना यह होगा कि लगातार आते आरोप, चाहे वो शारदा घोटाला हो या फिर नारद घोटाला हो, ऐसे घोटालों के बाद क्या वाकई में टीएमसी लगातार सियासी दलदल में जा रही है या और इससे किस तरह से उभर पाएगी। गुजरात में जहरीली शराब पीने के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में जहरीली शराब पीने के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके साथ ही कई अधिक लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं शराब कांड के बाद जहां लोगों के मन में दहशत देखने को मिल रहा है तो वहीं सियासत भी गर्माने लगी है। शाहबाद के बाद जहाँ लोगों में दहशत देखने को मिल रही है तो वहीं सियासत भी गर्माने लगी है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक रात शराब बनाने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके बाद मुख्य आरोपी से पूछताछ में बताया गया कि शराब फैक्ट्री में मेथनॉल की आपूर्ति की जा रही थी। ये केमिकल अहमदाबाद से सीधा सप्लाई किया जाता था। वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोषी आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस ने यह भी कहा कि जहरीली शराब का शिकार हुए सभी लोग रोजित के पास बसे नबोई गाँव में जाकर शराब पी थी, जहाँ अगले दिन सभी के पेट में दर्द उठा और उल्टियाँ होने लगी, जिसके तुरंत बाद ही उनके परिवार वाले उन्हें अस्पताल ले गए।
कोरोना अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है कि मॉन्की पॉक्स नाम की बीमारी ने देश में दस्तक दे दी है। लगातार देश में मॉन्की पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं। 3 मामले केरल से दर्ज किए गए हैं तो वही एक मामला दिल्ली से सामने आया है। CDC के अनुसार मनुष्यों में मॉन्की पॉक्स के लक्षण चेचक के लक्षण के समान लेकिन हल्के होते हैं और संक्रमण के 7 से 14 दिनों बाद बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकावट से शुरू होते हैं। इसके आम लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द जैसे शामिल हैं। बात करें दुनिया भर की तो दुनिया भर में मॉन्की पॉक्स के 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसको देखते हुए WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दी है। हरियाणा के तावड़ू में अवैध खनन माफिया द्वारा की गई DSP की हत्या के बाद हालांकि शासन प्रशासन द्वारा लगातार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की बातें की जा रही हैं, लेकिन अगर रादौर क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर अवैध खनन और ओवरलोड का जो कार्य है वो धड़ल्ले से जारी है। बात करें यहां ओवरलोड के काम की तो ओवरलोड का जो काम है यहां पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किया जा रहा है। लंबे समय से यहां पर जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ओवरलोड और अवैध खनन का कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो शासन है, जो प्रशासन है, उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई अमल में नहीं ला रहा है, जिसके चलते लगातार जो है इस प्रकार जो है अवैध खनन का या ओवरलोड का जो कार्य है वो व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से किया जा रहा है। हालांकि आज हमारी SDM सत्येंद्र सिवाज से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार का मामला उनके संज्ञान में नहीं था, अगर इस प्रकार की बात है तो इस पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब की सीमा के साथ लगते जिला फतेहाबाद के रतिया सेक्टर में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। चिट्टे जैसे नशे की गिरफ्त में अनेकों युवा फंसे हुए हैं। इन नशों की रोकथाम के लिए जिला पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भोरिया अब एक्शन मोड पर आ गए हैं। रतिया में उन्होंने सदर थाना प्रभारी, सिटी थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों की एक अहम बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने नशा तस्करों की धड़ पकड़ के लिए सख्त आदेश दिए। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। नशा तस्करों की जगह समाज में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे है। वहीं उन्होंने इसको लेकर आम जन का सहयोग मांगा और आम जन से बैठक की और गांव में कमेटियां बनाने के भी आदेश दिए। उन्होंने कहा कि कमेटियां रात को ठिकरी पहरा देंगी ताकि नशा तस्कर गांव में इंटर न कर सके। वहीं उन्होंने कहा कि कमेटियों का पुलिस प्रशासन की तरफ से विशेष सहयोग रहेगा। प्रदेश सरकार लगातार गरीब लोगों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न पहुंचाने का कार्य कर रही है, लेकिन सोनीपत में अधिकारियों की लिपापोती और लापरवाही के चलते लोग परेशानी झेल रहे हैं। सोनीपत का खाद्य आपूर्ति विभाग जहां जिसका कार्य 15 तारीख तक जो है राशन पहुंचाने का कार्य किया जाना चाहिए, वहीं इनकी लिपापोती के चलते राशन 25 तारीख को भी जाने के बाद भी नहीं पहुंचा है और इसी कारण स्थानीय लोगों ने विभाग के खिलाफ और डिपो होल्डर पर पहुंचकर रोष प्रदर्शन किया है और जल्द से जल्द राशन की मांग की है। और वहीं स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि इस बारे में कई बार शिकायत दी जा चुकी है, क्योंकि राशन जो लेट रसीदी के बाद मिलता है वह भी खाने योग्य नहीं होता है, गंदा होता है और गीला होता है। इसको लेकर कई बार शिकायतें दी जा चुकी हैं, बावजूद इसके प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंगती। आरोप हैं कि विभाग की लिपापोती लोगों के लिए समस्या बनकर उभर रही है। गिरावड़ गांव में लाखन माजरा लिंक ड्रेन ओवरफ्लो होकर टूट गई है, जिस वजह से इस गांव की 2000 एकड़ से ज़्यादा में खड़ी फसलें जलमग्न हो गई हैं और ड्रेन का बहाव इतना, पानी का बहाव इतना तेज है कि बस्तियों तक पानी जा पहुंचा है और गांव के डूबने की भी आशंका पैदा हो गई है। गांव के किसानों का कहना है कि सन 1995 के बाद बनाई गई यह ड्रेन उनके लिए हर साल ही आफत बनकर आती है और हर साल ही वो फसलें उगाते हैं और जब सारा खर्च फसलों पर हो जाता है उसके बाद इस ड्रेन का पानी टूट जाता है और जिस वजह से उन्हें हर साल ही काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इस बार 3 बार जो है ड्रेन गिरावड़ गांव के रकबे में टूट चुकी है, लेकिन प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, जिस वजह से गांव के किसान काफ़ी परेशान हैं और किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सावन के महीने में शिवरात्रि का त्यौहार आता है और आज शिवरात्रि का त्यौहार था। शिवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई। वहीं रोहतक के प्राचीन शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते लाखों श्रद्धालु वहां पर भीड़ उमड़ती दिखाई दी। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि वह सुबह से ही
कतार लगाकर खड़े हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना कि आज वह व्रत रखते आज के दिन वह व्रत रखते हैं और भगवान भोलेनाथ से मनोकामनाएं मांगते हैं। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि वह पिछले 2 साल शिवरात्रि का त्यौहार नहीं मना पाए क्योंकि कोरोना के चलते मंदिरों को बंद किया गया था और इस साल कोरोना का कहर कम हुआ है जिसके चलते शिवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है जिसके कारण भीड़ देखने को मिली है। इस दौरान कुछ युवक हरिद्वार से भी कांवड़ लेकर पहुंचे और उन्होंने शिवलिंग पर जल अभिषेक किया। वहीं पुलिस बल भी पूरी तरह से तैनात रहा और सुरक्षा के चकाचौबंद प्रबंध किए गए थे। सावन शिवरात्रि के मौके जलाभिषेक की पूर्व संध्या पर 2 कांवड़िए हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आ गए जिसके बाद उन्हें गंभीर अवस्था में PGI रेफर कर दिया गया। दरअसल ये कांवड़िए हरिद्वार से एक ऊंची कांवड़ में गंगा जल लेकर अम्बाला पहुंचे थे। साथ लगे शिविर में जलपान के बाद जैसे ही ये कांवड़िए ऊंची कांवड़ लेकर सड़क से गुजर रहे थे तो ऊपर से निकल रही हाई वोल्टेज तारों ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया जिसके बाद 2 कांवड़ियों को बुरी तरह से करंट लगा और वो झुलस गए। डॉक्टरों ने उपचार के बाद उन्हें PGI रेफर कर दिया। कांवड़ लेने गए एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आज मृतक के परिजन स्थानीय पुलिस चौकी पहुंचे और वहां उन्होंने मांग की कि पुलिस द्वारा मेरठ पुलिस द्वारा जिस तरह से परिजनों के पहुंचने से पूर्व मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया उसकी जांच करवाई जाए। साथ ही साथ मृतक के परिजनों ने यह भी शक जाहिर किया कि कहीं व्यक्ति की मौत में उसके साथियों का कोई हाथ ना हो, इसलिए साथियों से न केवल पूछताछ की जाए बल्कि उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाए। वहीं लगातार मृतक के परिजन इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि आखिर परिजनों के पहुंचने से पूर्व शव का पोस्टमार्टम किस तरह से पुलिस ने कर दिया। वहीं स्थानीय पुलिस का कहना है कि पुलिस द्वारा परिजनों को सूचित कर दिया गया था परंतु परिजन देरी से पहुंचने के कारण पुलिस को यह हक है कि वह शव का पोस्टमार्टम करा सके। वहीं इस मामले में स्थानीय पुलिस ने मृतक के परिजनों को यह भी आश्वासन दिया है कि हालांकि मामला जो है मेरठ पुलिस का है लेकिन वे इस मामले में जो भी संभव जांच होगी उसको करेंगे तथा साथियों से भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल मृतक के परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं स्थानीय पुलिस फरीदाबाद ने भी जांच का आश्वासन दिया है।